In the sky over our planet, other people blindly fought out a brutal war. A war between people we didn't even know. हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेस एडवेंचर मूवीज के बारे में। इस वीडियो में हम लॉस्ट इन स्पेस, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ ऐसी अंडररेटेड स्पेस मूवीज की बात करेंगे जिन्हें आपने शायद अभी तक ना देखा हो, और साथ में इन मूवीज के अंदर आपको कुछ अच्छे खासे लेवल के स्पेस विजुअल्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी, तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अर्थ पर ओवर पॉपुलेशन हो जाने की वजह से इंसानों का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे प्लेनेट की तलाश करते हैं और उनको एक प्लेनेट मिल भी जाता है। अब इंसान अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए एक बहुत बड़ी स्पेसशिप बनाते हैं जिसका नाम एलिजियम रखते हैं। अब उस स्पेसशिप में कुछ पैसेंजर्स के साथ में लगभग 60,000 से ज्यादा जीवों के डीएनए को रखा जाता है, ताकि उस दूसरे प्लेनेट पर पहुंचकर एक नई शुरुआत की जा सके। अब इस स्पेस ट्रेवल के दौरान 123 सालों का टाइम लगने वाला होता है, इसलिए उस स्पेसशिप में मौजूद सभी पैसेंजर्स को हाइपर स्लीप में डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस टाइम आता है जब दो क्रू मेंबर अपने हाइपर स्लीप से जाग जाते हैं। अब आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होता है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी का नाम पेंडोरम है, जो कि 2009 में आई थी। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई IMDb पर 6.7 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। ये 2018 में आई एक साईफाई हॉरर मूवी है। ये मूवी क्लोवरफील्ड मूवी सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें क्लोवरफील्ड मूवी सीरीज में हो रहे इवेंट्स के बिगिनिंग को दिखाया गया है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दिखाया गया है कि 2028 के टाइम तक हमारी पूरी दुनिया एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस में फंस जाती है, जिसके बाद हमारे साइंटिस्ट हमारी अर्थ को वापस से एनर्जी देने के लिए एक स्पेस बेस्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को बनाते हैं। लेकिन जब वो लोग उस मशीन से पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, उसी दौरान उनसे एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन उस छोटी सी गड़बड़ की वजह से उनके सामने कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और वो लोग उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कुछ करते हैं, ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 5.5 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। हमारे आज के समय से 2500 साल बाद हमारा सूरज अपनी सारी एनर्जी खो चुका है और खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ को कोई एनर्जी ना मिलने की वजह से वो बहुत ही तेजी से ठंडी होने लग जाती है, और वहाँ पे जीवन लगभग नामुमकिन बनने लग जाता है। जिसके बाद अर्थ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे अर्थ को किसी दूसरे सोलर सिस्टम में शिफ्ट किया जाएगा। अब इस काम को करने के लिए हमारे पूरे अर्थ पर 10,000 अलग अलग थ्रस्टर्स लगाए जाते हैं, ताकि अर्थ को दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंचाया जा सके। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या होती और उनको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी का नाम है द वेंडरिंग अर्थ। ये मूवी 2019 में एक साईफाई एक्शन मूवी है। मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 5.9 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है स्टोअवे। ये 2021 में एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दिखाया गया है एक स्पेसशिप को जो हमारी पृथ्वी से मार्स के लिए निकला होता है। इस स्पेसशिप पर 3 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं जो कि मार्स के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ उस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब उन्हें एक चौथे इंसान के बारे में पता चलता है जो कि उस स्पेसशिप पर मौजूद है। अब आखिर वो इंसान कौन होता है, वहां पर कैसे आ गया होता है और वो क्या चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 5.7 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है स्पेस वॉकर। ये 2017 में आई एक हिस्ट्री ड्रामा स्पेस मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में कोल्ड वॉर के टाइम की कहानी को दिखाया गया है, जहां पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, और इसी कोल्ड वॉर के दौरान इन दोनों के बीच में स्पेस रेस भी शुरू हो गई थी, जहां पर ये दोनों ही देश एक दूसरे से पहले स्पेस में पहुंचना चाहते थे। अब इसी दौरान हमें कहानी देखने को मिलती है सोवियत यूनियन के एक स्पेस मिशन की, जहां पर वो लोग एक इंसान को पहली बार स्पेस में भेजते हैं स्पेस वॉक करने के लिए। अब इस मिशन के दौरान उन लोगों के साथ क्या कुछ होता है, इसी कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलती है। मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.2 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द मिडनाइट स्काई। ये 2020 में एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में हमारे अर्थ के एक ऐसे फ्यूचर को दिखाया गया है जहां पर इंसान लगातार खत्म होते जा रहे हैं। इसी दौरान हमें कहानी देखने को मिलती है ऑगस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट की, जो वार्न करना चाहता है अर्थ की कंडीशन के बारे में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को, जो किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर वापस आ रहे होते हैं। अब अपने इस मिशन को करने के लिए वो क्या कुछ करता है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग्स मिली हुई है, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी।
अगली मूवी है प्रोजेक्ट जेमिनी। ये 2022 में एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। मूवी में दिखाया गया है कि हमारे अर्थ पर एक ग्लोबल प्लांट वायरस आ चुका है, जिसकी वजह से अर्थ पर मौजूद जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी धीरे धीरे मर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरे अर्थ पर लगातार ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंसानों का अर्थ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जिसके बाद वो लोग एक मिशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम प्रोजेक्ट जेमिनी होता है, जिसमें वो लोग इंसानों के रहने के लिए कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढेंगे। और फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ अंडररेटेड स्पेस मूवीज जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।